कौन बोल रहा है? तुम्हारी बीवी का बॉयफ्रेंड। तुम जितना चाहे वक्त ले सकती हो, मैं इंतजार कर लूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म फैक्ट्री के शुरुआती 9 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और बताएंगे आपको कि फैक्ट्री फिल्म ने अपने शुरुआती 9 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर से टोटल कितने रुपए का कलेक्शन कर लिया है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या हो चुकी है फ्लॉप। तो दोस्तों आपको बता दूं कि फैक्ट्री जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं फैजल खान, वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट भी फैजल खान ने ही किया है। और दोस्तों आपको बता दूं कि फैक्ट्री फिल्म का जो बजट है वो है लगभग 2 करोड़ रुपए का, और दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 100 से भी कम स्क्रीन मिले थे, जिसके चलते दोस्तों यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो प्रमोशन था वो भी काफ़ी लो रखा गया था, साथ ही इस फिल्म की जो हाइप थी वो भी बिल्कुल ना के बराबर थी, जिसके चलते यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई लेकिन ज़्यादा ऑडियंस को इस फिल्म के बारे में पता तक नहीं था। तो दोस्तों अगर बात करें कि फिल्म ने अपने शुरुआती 9 दिनों में कितने रुपए का कलेक्शन करा, तो दोस्तों आपको बता दूं कि फैक्ट्री फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में यानी कि शुरुआती 7 दिनों में ऑल ओवर इंडिया से टोटल नेट कलेक्शन करा है लगभग 4 लाख रुपए का। वहीं दोस्तों इस फिल्म ने 8वें दिन लगभग 20,000 रुपए कमाए। वहीं दोस्तों यह फिल्म अपने 9वें दिन यानी कि आज जिस तरह की ऑक्यूपेंसी इस फिल्म को देखने को मिली है उसके मुताबिक यह फिल्म लगभग 30,000 रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों इसके साथ यहां पर फैक्ट्री फिल्म का शुरुआती 9 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस इंडिया नेट कलेक्शन हो जाना है लगभग 4.5 लाख रुपए का। वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन है वो लगभग 6 लाख रुपए तक का रह सकता है। हालांकि दोस्तों आप बताओ कि अगर आपने फैक्ट्री फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, हमें प्रिय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।